सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में सफल होना है तो इन पांच बातों को दिमाग से निकाल दे। पहला, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, मेरा मूड नहीं है। चौथा, मेरी किस्मत खराब है। और पांचवा, मेरे पास टाइम नहीं है। झूठ बोलकर झूठे रिश्ते निभाने से अच्छा है कि सच बोलकर दुश्मन बना लो। आपके साथ विश्वासघात नहीं होगा। गंगा में वही पाप घुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के पास से घुलेंगे। आज का पंचांग 23 जनवरी 2023 दिन सोमवार, मांग मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि शाम 6:43 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 12:26 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:30 से 9:50 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:09 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर दोपहर 1:51 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 23 जनवरी 2023 दिन सोमवार, आपको आज खुद का ही चिंतन करना है। आपके जीवन में इस समय सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी आपको एक प्रकार की बेचैनी महसूस हो रही है जिसे आप व्यक्त नहीं कर पा रहे। इसका एकमात्र समाधान यह है कि आप खुद के बारे में शांत विचारों से सोचें, जिसे आपको अपनी परिस्थिति को बेहतर तरीके से देखने में मदद मिलेगी और आप सही समाधान खोज पाएंगे। अपने योग्यता और मेहनत से खास काम पूरा करने में सफल रहेंगे। समाज और करीबी रिश्तेदारों के बीच आपका विशेष स्थान रहेगा। घर का माहौल अनुशासित और खुशनुमा बना रहेगा। नए प्रोजेक्ट पर भी विचार होगा। वर्तमान परिस्थिति पर ठीक से ध्यान न देने की वजह से केवल भावनात्मक निर्णय आपके द्वारा लिए जा सकते हैं। नकारात्मक बातों का अधिक प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नकारात्मक बातों को जरूरत से अधिक महत्व देने की वजह से आपसे कुछ गलतियां होने की संभावना बन रही है। मन से डर निकाल कर काम करें। काम से जुड़ी डेडलाइन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रिलेशनशिप संबंधित दुविधा जल्द ही दूर होगी। बदलते वातावरण का असर सेहत पर हो सकता है। सावधानियां, ज्यादा काम और थकान की वजह से आलसावी हो सकता है। इसकी वजह से नुकसान हो सकता है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, धोखा हो सकता है। आपको अपने रिश्ते में ऐसा आभास हो रहा है कि सब कुछ सही है और ये रिश्ता काफी मजबूत रहेगा और आगे तक जाएगा। ये रिश्ता शादी में भी बदल सकता है, लेकिन क्रियान्वयन से पहले थोड़ा शांत दिमाग से सोचें और तब आगे बढ़ें। जो आप सोच रहे हैं वो सही होगा या आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी आप अभी तक अनदेखी कर रही थी। बात करते हैं करियर की। आज आप जो भी कार्य करेंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे थे तो आज आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आज के दिन पदोन्नति या अधिक जिम्मेदारी लेने के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श आरंभ करने के लिए उपयुक्त है। आपको इससे बहुत ही अनुकूल दिन का लाभ लेने के लिए अपने सभी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इस समय बिजनेस में उचित व्यवस्था के लिए आपके काम करने तरीकों में बदलाव लाने की जरूरत है। पारिवारिक तनाव को कार्य क्षेत्र में हावी न होने दें। मार्केटिंग संबंधित कामों में खास तौर से ध्यान दें। जीवन साथी और परिवार जनों के साथ कुछ समय बिताएं, इससे आपके भी संबंध अच्छे होंगे। बात करते हैं सेहत की। किसी वजह से तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थिति बन सकती है, पॉजिटिव बने रहें। कुछ समय प्रकृति में भी बिताएं। इस बात पर ध्यान दें कि आज ऑफिस में कौन बीमार है और उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे टेलीफोन तौलिया या दूसरे उपकरणों का प्रयोग करने से बचें। अगर आप ऐसा कर पाए तो आसानी से संक्रमण से बच सकते हैं। आप बहुत परोपकारी हैं और दूसरों का जितना ख्याल आप रखते हैं वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। लेकिन न भूलें कि आप अपना ध्यान रखना भी
लेकिन ना भूले के अपना ध्यान रखना भी जरूरी है। आज का उपाय, आज आप शंकर भगवान जी और पार्वती माता की एक साथ पूजा आराधना करें शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।